सो हे गाइस आई एम श्योर वेलकम बैक टू आवर चैनल लो स्पेक्ट्रम विद शिव। सो गाइस कैसे हो आप लोग, जरूर कमेंट कर देना, मुझे जरूर बताना। रात का समय है और ऑलमोस्ट 2:15 बज गए, मतलब ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है। एक्चुअली इस टाइम पे ये शूट कर रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आप तो जानते हो कि मैं अभी जिस माहौल में रह रहा हूँ, हमारे साथ स्ट्रेट पर्सन भी रह रहे, तो उनको इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। सो इस वजह से बहुत धीरे आवाज़ में इस टाइम पे मैं शूट कर रहा हूँ। वीडियो बनाने का पर्पस क्या था आज का, थंबनेल में भी आपने देखा होगा गाइस कि मैंने क्या वहाँ पर मेंशन किया था। एक्चुअली गाइस मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मुझे लोग जानेंगे या फिर ऐसे लोग मुझे पहचानेंगे। बहुत सारे ऐसे मेरे एक्सपीरियंस आए कुछ दिनों से कि मुझे ना सामने से लोग आके मुझे पूछते हैं कभी कभी कि आप मतलब ये जो यूट्यूब पे हो वो आप ही हो क्या, शिवर्मा कौन है, या फिर जो भी मुझे अपने पर्सनल नाम से जानते हैं मेरे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अभिषेक कौन है और शिव कौन है। इवन वो लोग समझते कि दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है, शिव अलग है अभिषेक अलग है। ऐसा एक एक्सपीरियंस आज लेटेस्ट हुआ था, तो मुझे लगा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए एक्सपीरियंस, सो दैट अभी इस टाइम पे वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी सेकंड शिफ्ट चल रही है जॉब की, तो मैं मेरे जॉब पे गया था और हमारे जो मतलब अंडर में जो काम करते हैं उनमें से एक जो एम्प्लॉय है उन्होंने आज मुझे मतलब ऐसे ही, पता नहीं वो शायद मेरी वीडियोस देख रहे थे या फिर ऐसे ही कुछ स्वैप अप कर रहे थे यूट्यूब पे, तभी मेरा कुछ एक अर्नो के साथ जो एक मतलब था एक शॉट, तो वो शॉट उन्होंने देखा। तो ऑब्वियसली मैं उस टाइम पे बहुत अलग दिखता था और इस टाइम पे बहुत अलग दिख रहा हूँ, तो इस वजह से शायद वो पहचान नहीं पाए, पर फिर भी मुझे उन्होंने ना थोड़ा बहुत सिमिलरिटी होने की वजह से उन्होंने मुझे पहचाना और मुझे बोला कि यहाँ पर ना यूट्यूब पे मैं ये सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पर सिर्फ आपके जैसे एक बंदा है, मतलब पता नहीं ये आप ही हो क्या। तो मैंने बोला कौन, तो जब मैंने देखा तो वहाँ पर शॉट में मेरा भी शॉट अलग से था, तो मुझे पहले ना बहुत ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर में ज़रा थोड़ा हंसा, पर उनको ऐसा दिखाया कि जैसे नहीं ये मैं नहीं हूँ, पर फिर भी ना वो अलग ही नज़र से देख रहे थे कि शायद उनको ये पता चल गया था कि नहीं ये वही है। तो अब आप बोलोगे कि अगर शो आप तो सभी जगह पे ओपन हो तो आपने अपनी कंपनी में मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को क्यों नहीं बताया। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं ओपन उन्हीं के सामने हूँ जिनके सामने मैं हर रोज़ या फिर जिनसे कुछ जिनमें को ये सारी चीज़ें पता है या फिर जो ये सारी चीज़ें समझने की काबिल है। हर चीज़ या फिर हर पर्सन को खुद से जाके बताना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ जिनको मुझे सच में अच्छा लगता है कि हाँ या फिर जिनके ऊपर मुझे ट्रस्ट होता है बताना, तो उन्हीं को मैं बता देता हूँ, अदरवाइज मैं कभी किसी को खुद से नहीं बताता कि मैं क्या हूँ। ऐसा ही एक मेरा एक फ्रेंड है और इवन आपने भी बहुत बार देखा है, नीलेश नाम है उसका, तो शायद आपको साइड में फ़ोटो दिखी है उसकी। तो नीलेश को आप काफ़ी लोग अच्छे से जानते हो और जब मैं नया फ़ोन लेने वाला था उस टाइम पे मैं, नीलेश और मेरा जो पार्टनर है रूम पार्टनर, तो हम तीनों गए थे और फ़ोन लेके हम आ रहे थे। उस टाइम पे मैंने कुछ एक वीडियो अपलोड किया था, फर्स्ट वीडियो था वो इस फ़ोन से लिया हुआ, तो फिर वो वीडियो में मेरा वो मतलब नीलेश जो है वो भी उस वीडियो में आ गया था, तो फिर वो वीडियो मैंने पोस्ट किया। लगभग 1 वीक या फिर 2 वीक जब चले गए तो नीलेश मुझे सामने से आके मुझे बोलता है कि शिव तूने हमारी कोई वीडियो पोस्ट की है क्या। तो मैंने बोला अब वैसे तो तुम्हारे बहुत सारे वीडियो मैंने पोस्ट किए, तो तुम पर्टिकुलर किस वीडियो की बात कर रहे हो। तो उसने मुझे बोला कि हम जब बस में आ रहे थे, जब हम तुम्हारा फ़ोन लेने गए थे उस टाइम पर जब तुमने एक वीडियो निकाला था, वो वीडियो पोस्ट किया था कि तुमने। तो मैंने बोला हाँ किया था मैंने। तो उसने बोला मुझे एक्चुअली मैं जब मेरे जॉब लोकेशन पे गया तो वहाँ पर मुझे एक इंसान ने मुझे बोला कि आप शिव की फ्रेंड हो क्या। तो उसने बहुत अजीब मतलब ऐसा होता है ना एक आश्चर्यचकित होके कि आप किसे जानते हो शिव को। तो उसने बोला कि मैंने आपकी वीडियो उसके साथ देखी थी। तो फिर वो बोला हाँ एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड है और मैं भी उसी के जैसा हूँ।
इवन नीलेश भी बहुत ज़्यादा मतलब ओपन माइंडेड है, वो भी अपने घर में भी ओपन है, इवन पूरे समाज के सामने मेरे जैसे ही ओपन है वो। तो उसने ये बात बोलते हुए ज़रा भी झिझक नहीं दिखाई या फिर ज़रा भी कुछ ऊंच नीच नहीं दिखाया कि मैं किस कैटेगरी में हूँ या फिर वट एवर। तो फिर नीलेश ने मुझे ये बात बोली कि एक्चुअली वो इंसान जो मुझे बोल रहा था कि मैंने आपके फ्रेंड का चैनल देखा है, आपकी फ्रेंड की वीडियोस में देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मेरी बहुत इच्छा है उनसे मिलने की। तो जब ये सारी नीलेश वो बातें बता रहा था मुझे, तो मुझे पता है एक अजीब सी खुशी हुई कि वो महसूस हो गई कि लगभग हमारी यूट्यूब चैनल की जर्नी काफ़ी साल से मैं चला रहा हूँ। इवन अर्नो था उस टाइम पे भी, और अर्नो जाने के बाद भी मैं वही सिलसिला जारी रखा। मैंने कभी भले एक सुख हो दुख हो सारी चीज़ें मैं हमेशा इसी पे शेयर करता हूँ। इवन मैं हर बार बोलता हूँ कि आप मेरी फैमिली का एक ही हिस्सा हो, मेरी फैमिली जैसे ही हो। तो बहुत एक अंदर से एक अलग सी खुशी होती है कि जब कोई सामने से बोलता है कि मैंने आपका चैनल देखा था, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी और मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है। तो कहीं ना कहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस बात के लिए कि मैं जो कर रहा हूँ शायद वो सच में सही पाथ पे चल रहा है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज, ये आपकी वजह से हुआ है। इवन आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे पसंद किया, इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया, भले मैं गाइज सब्सक्राइबर या फिर वो सारी चीज़ें नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि सामने वाला इंसान मुझे किस एंगल से देख रहा है और सामने वाला इंसान मुझे मतलब सच में कितनी उत्सुकता से या फिर कितनी एक्साइटेड होकर वो सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर रहा है। और यही चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज इस टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि मुझे आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया। ऐसे ही प्यार और आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहे, और मुझे अपनी ज़िंदगी में और आप सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही लड़ते रहे, और मुझे भी लड़ने के लिए आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहे। भले ही वीडियो के माध्यम से कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ आपको, बट जब ऐसे कोई मोमेंट आते हैं जैसे मैंने अभी बताया, वहाँ पर मैं खुद अंदर से मोटिवेट हो जाता हूँ कि अगर शायद आप वो वीडियोस वॉच नहीं करते या फिर वो अगर आप प्यार नहीं दिखाते तो शायद वो वीडियोस पता नहीं मतलब वही रह जाती। सो थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन कि आपने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट और प्यार दिया। ऐसे ही आपका सपोर्ट और प्यार हमेशा बना रहे, यही मैं मेरे शिव जी से कामना करूँगा। और यस, ये था आज का स्पेशल वीडियो जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक एक्सपीरियंस वाला था, और वही मैंने आपके साथ आज शेयर किया। मिलते हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को खुश रखिए, सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय।